नमस्कार दोस्तों, मेरे इस बुंदेली झलक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आज आपको अपने बुंदेली झलक चैनल के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि हमारे बुंदेलखंड में इस प्रकार मकर संक्रांति मनाई जाती है कि हम सब ने नहा लिया है और तिल का उपटन के साथ नहा लिया। उसके बाद अब ये देखिए, ये चार पांच पांच जो मलियां हैं इनमें मैंने खिचड़ी भर दी है और इन्हीं का आज मकर संक्रांति पे पूजन होता है। और मैंने हल्दी कुमकुम चावल से इनका तिलक कर दिया है और ये पांचों मलियों में खिचड़ी भरी जाती है। उसके बाद और ये मैंने दो घोड़े रखे हैं मिट्टी के, हमारे यहाँ बुंदेलखंड में इनकी पूजा होती है, इनकी बहुत बड़ी मान्यता है। और ये दो मैंने कठारी भरी हैं, मेरे दो बच्चे हैं तो दोनों के नाम की मैंने ये कठारी भरी हैं, इनके कठारियों में भरते हैं। ये देखिए मैंने इसमें गड़िया गुल्ला भरा है क्योंकि हमारे बुंदेलखंड में गड़िया गुल्ला का बहुत बड़ा महत्व है। तो ये गड़िया गुल्ला और मैंने ये तिल के लड्डू, ये तो पूरे बुंदेलखंड में क्या, पूरे भारत में हर जगह, ये बुंदेलखंड में तो क्या हर जगह पूरे भारत में इसका महत्व है तिल के लड्डुओं का, तो इसका तो हर जगह है लेकिन हमारे यहाँ बुंदेलखंड में गड़िया गुल्ला का ज्यादा है। तो मैंने इसमें गड़िया गुल्ला भर दिए। वैसे तो इसमें हमारे यहाँ बनते हैं सेव, मंगौरा, खुरमा और उसके बाद पपरियां, ये सब कुछ बुंदेलखंड में बनते हैं ये पकवान सारे, ठडूला, वो सब कुछ इसमें आप चाहो गुजिया, सारे पकवान इसमें भर सकते हो। उसके बाद इसको मैं एक लाल या पीले कपड़े में बांध के रख देती हूँ। फिर बसंत पंचमी के दिन इनकी गांठ खोलूंगी और इनका फिर प्रसाद में अपने बच्चों को दूंगी और सब बच्चों को बांट दूंगी और बच्चों को भी, और हम भी इसका प्रसाद ग्रहण करेंगे। ये हमारे बुंदेलखंड की परंपरा है। तो ये जो कठारी है, कहते हैं जिस तरीके से एक माँ ये कठारियों को भरती है उसी तरीके से इन कठारियों की तरह ही उनके बच्चों की हंसी खुशी, जीवन में बहुत सारी खुशियां भरी रहती हैं, ऐसी मान्यता है। और मुझे ज्यादा ज्ञान तो नहीं है, जितना मुझे है मैं अपने माँ बाप से, अपनी दादी नानी से सीखती आई हूँ, उतना ही मैंने बताया कि ये कठारियां, मैंने सारे पकवान इसमें इसलिए नहीं भरे कि कुछ पकवान ऐसे होते हैं कि इनको बांध के रख दो तो वो खराब हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये सिंपली बस गड़िया गुल्ला और ये तिल के लड्डू, ये खराब नहीं होंगे। बसंत पंचमी के दिन इनको खोला जाएगा, फिर इनका दोबारा धूप दीप से पूजन किया जाएगा। और फिर उसके बाद ये जो चीनी है ये अग्नि माता है, अग्नि माता को भी हम थोड़ा सा तिलक कर देंगे हल्दी चावल और कुमकुम से चारों कोनों को। और उसके बाद फिर थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे चीनी और थोड़ा सा डालेंगे ये तिल, तिल और चीनी का हवन तो आज हर जगह होता है। देखिए आप तिल और चीनी का, और साथ में मैं इसमें घी की आहुति दे दूंगी सभी देवी देवताओं का नाम लेके। तो इस तरीके से हमारे बुंदेलखंड में ये सुबह की पूजा है, ऐसे होती है। और भी बहुत सारी परंपराएं हैं, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं दूसरे वीडियो में आपको दिखा दूंगी, अगर नहीं मिला तो आप देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।